बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री पे हुए हमले के बारे में कहा कि यह किसी की हालत में सही नहीं है, बहुत ही चिंता के विषय है। इस तरह की घटना बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, यह सुरक्षा में बड़ी लापरवाही है और चिंता तो इस बात की है कि जब राज्य के मुख्यमंत्री सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी का क्या होगा। उन्होंने कहा कि इस मामले पे बड़े अधिकारियों पे कार्रवाई की जानी चाहिए और राज्य के पुलिस महानिदेशक को आकर खुद स्पष्टीकरण देना चाहिए। उन्होंने कहा कि अपराध की घटना लगातार बढ़ रही है। कल देर रात जदयू के एक बड़े नेता की हत्या हुई है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर हालात ऐसे क्यों बने हुए हैं। इसकी गई मुक्का मारने की, उसकी भी हम लोग निंदा करते हैं। ऐसी कोई जगह होनी नहीं चाहिए लोकतंत्र में। ये घटना कितनी भी आप निंदा करें ये कम है, लेकिन चिंता हम लोगों को इस बात का सताता है कि सबसे ज़्यादा सुरक्षा मुख्यमंत्री की है और मुख्यमंत्री जब सुरक्षित नहीं है बिहार में तो आप आम आदमी की कल्पना क्या कर सकते हैं। और उन्हीं की पार्टी के एक नेता की हत्या कर दी गई और इतनी बड़ी लापरवाही, इतनी बड़ी चूक थी कि कुछ भी हो सकता था मुख्यमंत्री जी के साथ। और हम लोगों को चिंता इस बात की है जब मुख्यमंत्री सुरक्षित नहीं है इस राज्य में तो आम आदमी की कल्पना आप कर सकते हैं कि क्या उनकी स्थिति बनी हुई है पूरे बिहार में। और मुझे पूरा भरोसा है कि छोटे जो सिपाही या अधिकारी हैं उन पर ही कार्रवाई की जाएगी, जो बड़े पद पे जो लोग हैं उन पे कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी जहाँ तक हमको लगता है। और इतनी बड़ी चूप है इसमें तो खुद स्वयं जो है DGP को या बड़े अधिकारी जो हैं उनको आकर के स्पष्टीकरण देना चाहिए। और ये मंत्रालय भी तो गृह मंत्रालय नीतीश जी के पास है, तो शायद उनको थोड़ा इस गृह मंत्री होने के नाते, मुख्यमंत्री होने के नाते उनको भी जस्टिफाई करना चाहिए कि आए दिन